हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शहामी किचन। आज की वीडियो में मैं आपको चना छोला बनाना बताऊंगी। चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ 2 कटोरी चने लिए काबुली, इसे रात भर भिगो कर रखा था। आप चाहे तो इसे नीम गर्म पानी में 4 से 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। और फिर मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाला। इसमें 2 बड़े गिलास पानी, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून नमक डाल के मैंने इसे प्रेशर कुकर बंद करके मैंने इसे 2 से 3 सीटी आने दिया। प्रेशर कुकर की मैंने हवा नहीं निकाली थी, इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था गैस ऑफ करके। मैंने बाद में इसे खोला। इसका पानी हम नहीं फेंकेंगे क्योंकि हमारा ये पानी बहुत ही बेस्ट रहता है। इससे ग्रेवी हमारी बहुत थिक बनती है और अच्छी बनती है। हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा यही पानी से हम हमारी ग्रेवी बनाएंगे। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे फाइन चॉप किया है। मैंने इसे चॉपर में किया है। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिया है, इसे भी मैंने चॉप किया है इस तरह रफली मोटा। कड़ी पत्ता लिया मैंने कुछ। हरी मिर्ची ली है मैंने एक, इसे बारीक कट किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। इमली का पानी है, हम इसे पानी डालेंगे। ऑयल लिया है मैंने, ये 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा है। कुछ खड़े मसाले हैं, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, 2 तेज़पत्ता, काली मिरी, 1 इलायची, 3 हरी इलायची, 3 लौंग और ये कुछ सूखे मसाले हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने छोले मसाले लिए, आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे हम यहाँ पर, और इसमें हम ऑयल डालेंगे जो हमने लिया था, और उसे गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, हम सबसे पहले इसमें हमारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। ये कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अब हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकंड हम फ्राई करेंगे हमारे मसालों को। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। हम प्याज को सॉफ्ट करेंगे, इसे हमें लाल नहीं करना है। हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट। हमारा अदरक लहसुन भून चुका है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे हमारा कटा हुआ। इसे भी हम सॉफ्ट होने देंगे। देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, नमक, इन सब चीज़ों को देंगे। हमारा ये छोला मसाला है, ये 3 टेबल स्पून है छोला मसाला। हम सब मसालों को लो फ्लेम पर अच्छे से भूनने देंगे ढककर 10 मिनट के लिए। एक बार फिर से चेक कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से हम इसे पानी नहीं ऐड करेंगे, इसी तरह भूनेंगे हम इसे। बस हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला छिटके ना। ढक कर हम इसे लो फ्लेम पर इसी तरह भूनेंगे और थोड़े थोड़े देर पे चेक करेंगे। एक बार हम फिर चेक कर लेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है,
हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, इसे इसी तरह भूनना है। हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें हम हमारे बॉईल किए हुए चने ऐड करेंगे। इसे अच्छे से चला देंगे। ये हमने इमली भिगाई हुई थी, इसका पानी हम ऐड करेंगे। ये 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा है पानी, ये ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालेंगे, क्योंकि हमने चने बॉईल किए थे उस टाइम पे भी हमने नमक डाला था, हमने मसाले में भी नमक ऐड किए थे। मैंने यहाँ आपको शक्कर दिखाना भूल गई थी, शुगर 1 टेबल स्पून हम यहाँ ये भी ऐड करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है मीठा तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। शुगर ऐड करने से हमारे चने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ज़रूर आप ट्राई करना डाल के इसे। इसे हम अच्छे से चला देंगे, इसे और पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे। पाँच मिनट बाद हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसे अब हम और थोड़ा पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर, और इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। देखिए ये हमारा चना मसाला रेडी है, छोला मसाला अच्छे से ये भून चुका है। हमारे यहाँ साइड पे तेल आ चुका है, हमने गैस को बंद कर लिया है। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। देखिए हमारा चना छोले मसाला रेडी है, अब इसे हम रोटी, पराठा, तंदूरी रोटी या पूरी जिसके साथ आप खाना चाहें खा सकते हैं। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करना ये मेरी रेसिपी, आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।